तो गाइस अभी दूसरा सेमीफाइनल चल रहा है, कोबरा क्लब पैठाने वर्सेस हंसी शर्मा देव। तो गाइस अभी दूसरा सेमीफाइनल चल रहा है, कोबरा क्लब पैठाने वर्सेस हंसी शर्मा देव। दोनों ही अच्छी टीम हैं और कोबरा क्लब भी बिल्कुल छांट छांट के ला रखे हैं, पैठाने से प्लेयर और हंसी शर्मा देव के भी बाहर के खिलाड़ी, मतलब बाहर के पौड़ी के हैं। और देखते हैं कौन ज़्यादा, akki.com तो पहुँच गया फाइनल में पहले टीम। बढ़िया यार, अरे जुगलबंदी चलती है एक और बल्ले के बीच, स्लोअर गेंद डाला था जितनी और जरूर बड़े हिट का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले का सही संपर्क नहीं, टैप डिलीवरी और इसी बीच ऑन साइड में इन साइड और ट्राइड बाउंड के बाहर अंपायर ऐसा खेलेगा भारत जो है छोटा खिलाड़ा जो भी करेंगे हमारे लिए मुझे बात करना गेंदों को मार मार के इतना लाल कर दिया है उन्होंने, गेंद भी बस रहम की भीख मांग रही है, गेंद भी जो है सभी से लाल हो चुकी है। इसी बीच पुनः चले दीपक राणा के लिए और जरूर उसे कर्ज में बल्ला घुमाया था और एक आ रहता है गेंद, भाग्यशाली वहां पर बल्लेबाज गेंद गई फाइन, लेकिन 50 दौड़े पूरी हो चुकी है। इसी बीच पुनः चले एक बार फिर और बढ़िया गेंद, इससे पहली बार ही तैयार है इस ओवर के बाद चुनावी भंडारी आनंद ग्राम रौली और जय सिंह और पैठाने की टीम के लिए मेहमानों का जो है अतिथि देवेंद है नारू रेस्टोरेंट थैली साइड और खुकती खुकती के नाम से जाने जाते हैं नरेंद्र भंडारी उर्फ नानो ग्राम सोपरा का जो है निशुल्क भोजन पैठाने की टीम के लिए, यदि जीतती है तो कल का पूरा दिन
निशुल्क भोजन बेटा चले बेटा और इस गेम में खेल कर निकाल दिया है और यहां पर जरूर प्रयास किया था क्रिकेटर ने बढ़िया प्रयास था प्रयास के पूरे अंक दिए जाएंगे लेकिन काफी दूरी तय करनी थी इसी बीच अरविंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट लेफ्ट आर्म गेंदबाज को पढ़ना आसान नहीं होता और बढ़िया गेम झूले झूले लाल का मस्त कलंडर सवाल पूछते हुए अरविंद दीपक शेखर से कैसे हैं दीपक जी लेकिन फिलहाल सही अंटे पर सही ठिकाने पर गेंदबाजी अरविंद के द्वारा बैट डिलीवरी स्कोर अभी भी 51 के ऊपर जबकि पारी का यह छठा ओवर इस समय प्रगति पर ड्रिक्स ने भी तैयार रखे और इसी बीच हवा में गेंद लेकिन मेन लाइन पे गिरी गई गेंद कोई भी नजदीकी खिलाड़ी शॉर्ट मिडल के क्षेत्र में कोई भी खिलाड़ी तैनात नहीं और सिंगल की सहायता से खिसकता हुआ स्कोर 52 रन अभी तक जो है गेंदबाजी को खूब खड़काया है दीपक राणा ने इस समय सेकेंड पर है उनका इंडिविजुअल स्कोर है 25 रन एक शतक भी लगा चुके हैं इस मैदान पर संस्करण में और जरूर बड़े हिट का प्रयास लेकिन गेंद जो है एंगल परिवर्तन हुआ गेंद का टिक्का पड़ने के बाद थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट करती हुई गेंद वाइड और बाय का इशारा हमारे मुख्य निर्णायक पटेल जी का गगन भेदी लगाए थे इसी बीच गेंदबाज चले अरविंद बढ़िया यार चमन से गाड़ी चली 60 के ऊपर जबकि निर्धारित 12-12 ओवर का ये सेमीफाइनल मुकाबला इसलिए गेंदबाज चले बेटा क्या कमरा किया भैया जिसे कहा जाता है ट्रिक बिल्कुल गलेबाज ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह की गेंद गिर जाएगी लेकिन कमाल कमबैक बढ़िया कमबैक जिसे कहा जाता है क्रिकेट की भाषा में दीपक सिंह इस समय 14 रन बनाकर डबल किए तो 60 के ऊपर तीसरा नुकसान हंसेश्वर महादेव हसूरी को जीती हुई गेंद 21 रन बनाकर अभी तक अब जीत है इसी बीच और इस गेंद को खेल दिया है शॉट स्क्वायर लेग के क्षेत्र में आसानी से एक और सिंगल समाप्ति हो चुकी है और जो है ड्रिंक्स ट्रॉली भी 6 ओवर की समाप्ति में ड्रिंक्स ट्रॉली का आना जरूरी है यहाँ पे 6 ओवर की समाप्ति स्कोर गोल पे टके हैं 65 रन तो हमारे मुख्य मेहमान आज हमारे मध्य मौजूद हैं श्री अमर सिंह जी भुजिया जी और इस गेंद को खेल दिया है कवर पॉइंट के क्षेत्र में और गेंद 4 रन यार अब नहीं गया क्या तेजी से भागती और एक से दो देता बेल अरे 2 रनों के सहयोग से स्कोर गेंद 70 रन जबकि पारी का यह 7 ओवर इस समय प्रगति पर इस बीच और इस गेंद को पुश किया है सिली पॉइंट के क्षेत्र में आसानी से एक और सिंगल और इस सिंगल की सहायता से स्कोर में इजाफा होता हुआ 31 रन के अतुल का इंडिविजुअल स्कोर हो चला है 9 रन इस समय इस स्ट्राइक पर होंगे दीपक राणा 25 के इंडिविजुअल स्कोर पर इसी बीच गेंदबाज चले विनोद कायदा बॉलर का विकेट दीपक के लिए प्रयास किया था दर्शक महोदय ने और वहां पर हमारे गुरु सभी भंडारी से बता बढ़िया प्रयास किया था सभी भंडारी जी ने यदि कैच पकड़ते तो जरूर कुछ ना कुछ उन्हें भी पारितोषिक मिलता 50 रुपए कोहली की रफ्तार से भागती हुई इस समय हंसेश्वर महादेव की गाड़ी
जबकि सातों ओवर इस समय पर अधिकार, सात ओवर की समाप्ति, 81 रन बोर्ड पर टच चुके हैं लेफ्ट आर्म और विकेट कीपर से मिस होती हुई गेंद, खेल जा रही है फाइन लेग के क्षेत्र में, आसानी से एक और सिंगल। तो बाई का इशारा मुख्य निर्णायक का, स्कोर जा पहुंचा 82 जबकि पारी का यह 8 ओवर इस प्रगति पर। तो आज जो है हांगकांग और मलेशिया में भी कम दर्शक हैं, इसलिए जरूर शॉट गेंद और इसे पनिश कर दिया है, बैक शॉर्ट लेग से गुजरता हुआ लॉन्ग लेग और फाइन लेग के बिल्कुल मध्य, 4 रन के लिए और चौके के साथ ऐसे स्कोर जा पहुंचा है 86 रन। श्री धर्मेंद्र सिंह रावत जी जो कि भारतीय सेना से अवकाश प्राप्त है, उनके द्वारा उद्घोषक के लिए 101 रुपए का पारितोषिक, आपका आगमन रावत जी हमें प्राप्त नहीं रहेगा। इस गेंद को खोल के निकाला है बल्लेबाज दीपक राणा ने और दीपक राणा का इंडिविजुअल स्कोर हो चला है 45 रन। यदि शतक लगाते हैं तो 500, लेकिन 200 के हकदार हो चुके हैं दीपक राणा हमारे मुख्य अतिथि। 200 का तो छक्का मार लियो जी, श्री विक्रम भैया जी और उनके साथ पूरा दल बल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का। इसी बीच तो आज दीपक राणा अबे जरूर 4 विकेट कीपर दस्ताने वहां पर विकेट कीपर के भैया, इसे कहा जाता है संजीवनी। विकेट कीपर का अतिरिक्त कवच कुंडल होते हैं उनके पास, लेकिन भैया दस्तानों के बावजूद दीपक राणा और जरूर पर हिट का प्रयास और यहां पर बेलगाम, लेकिन कोल बैक अपने खिलाड़ी अबे गाल नहीं देना यार भाई, फायदा होगा आउट करें अप्रिशिएट अटल के रूप में, तू डीप लगाएंगे वहां पे, तेरे को पता नहीं है कैसे गाली खेल दिया है, बहुत टाइम खेल दिया उन्होंने। और तक्का ठीक जहाँ दर्शक खड़े हैं ट्रांसफर हम के उधर, ओ भाई ये आसान नहीं होता है इस तरह का स्टेप खेलना, एक्स्ट्रा कलर के ऊपर से इनसाइड आउट खेला गया है इसको, और इस पूरे टूर्नामेंट में जो सबसे लंबा छक्का लगा है मेजबान कमेल के बल्लेबाज वीरेंद्र रावत के द्वारा, और इसी बीच हवाने क्रिकेट की भाषा में कहा जाता है पकड़ो कैच खींचो मैच, लेकिन ये बिल्कुल विपरीत दिशा में चलते हुए मेहमान टीम आज जरूर इस सेमीफाइनल मुकाबले में जो है नाखुश, और बहादुर का साथ देती हुई गेंद इस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के क्षेत्र में, आसानी से एक और सिंगल और सिंगल के साथ ऐसे स्कोर जा पहुंचा है 122। राणा इस समय 9 स्ट्राइक पर है जबकि गोलू 6 के व्यक्ति का देवकर बात चले, और इस बीच हवा में ज्यादा एलिवेशन कम और यहां पर खिलाड़ी करोड़पति में भी नहीं मिलती चौथी लाइफ लाइन, और
चौथी मरतबा पकड़े गए बल्लेबाज। 65 सर जिस कारनामे के लिए कप्तान ने उन्हें दायित्व दिया था उसे निर्वाह करके दगाउट में छह छक्के इन्होंने लगाए हैं। दीपक राणा ने बिल्कुल कल स्थान ले गए हैं नए बल्लेबाज। चले सुभाष परोसा था गेंदबाज ने और गेंद के लिए आधा दर्जन के लिए बिल्कुल जिसे कहा जाता है 600 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज। दो गेंदों में 12 और स्कोर बोर्ड बिल्कुल जो है विनोद रेड्डी का जो एयरटेल 4G में उनका वाहन चलता है बिल्कुल उसे 4G की तरह दौड़ती है उनकी गाड़ी। विनोद रेड्डी इसको क्या पहुंचा 136 रन तो लगभग जो है हरीश टोकरियाल जी की भविष्यवाणी हरीश से दो चार रन मिलते हुए और स्कोर पल्ले से वहां पर हमारे मुख्य निर्णायक पटवारी का इशारा और स्कोर जा पहुंचा है 143 रन लक्ष्य रखा है 144 रन का दो रन का इशारा हमारे लिए दो रन जरूर है और एक से दो के कन्वर्ट यदि कैच भी जा तक लेते तो और इन दो रनों के सहयोग से स्कोर जा पहुंचा 146 निर्धारित 72 गेंदों में लक्ष्य दिया 147 रनों का। कुछ समय पश्चात ये मुकाबला आरंभ होगा। हम बाइक तो गाइस काफी हाई वोल्टेज मुकाबला था ये और हमको तो खूब मजा आया। आई होप आपको वीडियो में मजा आ रहा होगा और क्योंकि मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मैं ये ब्लॉग आज या कल डाल दूँगा क्योंकि और ब्लॉग भी हैं। ये सेम फाइनल मैच था अभी का तो अभी हंसेश्वर महादेव ने मारे हैं 147 रन 12 ओवर का मैच था ये तो बहुत ही अच्छा यार मतलब बहुत बढ़िया खेला दीपक भाई ने। पहले मैच में उन्होंने 100 तो पहले मैच में 124 मारे दीपक भाई ने और दूसरे मैच में कुछ खास नहीं कर पाए शायद और लेकिन तीसरे मैच में 50 रन मारे उन्होंने और इस चौथे मैच में तो यार क्या बोलें मतलब पैटर्न की अच्छी बॉलिंग थी। हमने सोचा था कि मतलब मारेंगे पर क्या पता जल्दी आउट हो सकते थे और 10 ओवर खेले उन्होंने और 65 रन की पारी खेली लास्ट में कैच आउट हो गए एक दो कैच भी छूटे तो कोई नहीं। तो दीपक भाई की बहुत अच्छी बैटिंग है जो कि शायद नॉट अमोन की दुकान है और उस साइड भी खेल रखा उन्होंने तो इन बॉलरों को जानते थे अच्छी तरह से तो उनको पता था कौन कैसी बॉलिंग करता है। तो अच्छा खेला दीपक भाई ने बहुत ही बढ़िया। अब आ चुकी है पैठाणी की बल्लेबाजी तो पैठाणी की बल्लेबाजी नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगी आप लोगों को। अगर आप पैठाणी की बल्लेबाजी देखना चाहते हो तो नेक्स्ट ब्लॉग में देखना और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें कमेंट करें और अगर हंसने की ब्लॉग सुने तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।